अब एक्टर बनने की चाह रखना उत्कर्ष मतलब ये बहुत लोगों में होती है जी, जी, जी. लेकिन वो एक जो प्रोसेस है पूरा कितनी तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए ये जी, मैं तो मानता हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल जॉब्स है क्योंकि अगर मैं आपको अभी कहूँ कि आप 100 एक्टर के नाम लीजिए आप नहीं ले पाएंगे जो करेंटली वर्क कर रहे हैं लीडिंग रोल्स में क्योंकि ये इंडस्ट्री है ही इतनी छोटी तो ज़रूर हर कोई ख्वाब देखता है कि ये आसान जरिया है पैसा फेम ये सब कमाने का बट अगर आप वो देखते हैं तो मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि ऑडियंस को तो बस एक ही चीज़ चाहिए एंटरटेनमेंट एंड अगर आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो ही ये फील्ड सही है मेरे विचार से एंड उसके लिए तैयारी आपको बहुत करनी पड़ती है आपको आज की डेट में खास करके बिहाइंड द कैमरा की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज आप ऐसे ऐसे सीन करेंगे जहाँ पे आप 1000 क्राउड के बीच में हैं और पर 1000 क्राउड है नहीं ऐसे ही ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है ब्लू स्क्रीन लगी हुई है आप तो रिपोर्टर हैं आप तो डेली का आपका यही काम है एंड आप जानती हैं कि जब कुछ आपके सामने नहीं है और आपको इमेजिन करके वो बात करना है और पूरी यकीन के दूसरे को यकीन दिलाना है कि वो चीज़ आपके सामने है तो एक एक्टर का स्किल सेट और भी बढ़ चुका है पहले से एंड उसको बिहाइंड द कैमरा की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जितना वो नॉलेज रखेंगे उतना ही आप टाइम कम वेस्ट करेंगे सेट पे उतना ही कम पैसा लगेगा हर शॉट में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डांस एक्शन डायलॉग डिलीवरी ये सब तो आपको ट्रेन योरसेल्फ जी मैं सबसे पहले तो मैंने पापा को असिस्ट किया जब मैं वीर में जब वीर बना रहे थे पापा तो असिस्ट किया तो एक्चुअली क्लोज क्वार्टर्स से मैंने ऑब्जर्व किया किस तरीके से सलमान सर एंड बहुत सारे मिथुन दा वगैरह काम करते थे अपने सीन को अप्रोच करते थे एंड उसके बाद मैंने यूएस में फिल्म मेकिंग का कोर्स मैं यूएस में फिल्म मेकिंग का कोर्स करने गया एंड वहाँ पे मैंने शॉर्ट फिल्में बनाई जो काफ़ी फेस्टिवल्स वगैरह में भी गई वहाँ पे एंड फिर वहाँ पे एक्टिंग भी सीखी एक्टिंग में कई प्लेज में भी काम किया वहाँ पे तो जितना हो सका एक दूसरे नए कल्चर में एक एक्सपीरियंस लेना एक अलग बात होती है क्योंकि हमें लगता है कि वो बहुत फॉरेन है पर आप अल्टीमेटली यही सीखते हैं कि भाई इमोशन यूनिवर्सल है चार्ली चैपलिन की फिल्में आज भी सबको गरीब अमीर सबको हंसाती हैं क्योंकि उनमें इमोशन होता है और वो यूनिवर्सल है तो वो चीज़ सीखने मिली वहाँ एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक्शन डांस ये सब की तो ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे ही ली जी तो ये देखा जाएगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो कहानी कहने का एक जो तरीका जी, है जी. और जो इंटरनेशनली जो कहानियां कही जाती हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है जी. लेकिन जैसे आप कह रहे थे कि इमोशन सेम होता है तो कौन सा एक इमोशन है कॉमेडी है या ट्रेजेडी है या कौन सा एक इमोशन है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वेल इंडियन हूँ तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल तो कोई भी लड़का यहाँ पे माँ के इमोशन में फील करेगा क्योंकि यही एक इमोशन है जो वेस्ट वाले यूज नहीं करते और हमारे इंडियन बहुत ज्यादा यूज कर चुके हैं एंड इंडिया से बेटर माँ का इमोशन कोई नहीं जानता सही कहा है इसमें भी ऐसा कोई सीन है जी अनफॉर्चुनेटली मेरा कैरेक्टर इसमें अनाथ है तो इसमें तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ये आपको कहना चाहिए था आदिल जी को कि इस तरह का इमोशन जो है वो मम्मी का इमोशन जो है पर वो आएगा कभी ना कभी इंडियन फिल्म में काम करूंगा तो कहीं ना कहीं तो वो माँ का एंगल जरूर आएगा एंड वो मेरी अंदर के एक्टर की प्यास है कि किस तरीके से करूंगा वो सीन या दैट्स ट्रू भाई आप जैसे कह रहे हैं कि किस तरह के से सीन को आप अप्रोच करते हैं इट इज लाइक ऑब्वियसली जैसे हम बात कर रहे हैं कि अनिल जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है उनकी एक अपनी समझ है एक सीन को लेके बट एक एक्टर का अपना एक प्रिपरेशन होता है तो किस तरह की आपकी तैयारी रहती है सीन को समझने के लिए जी जैसे इस फिल्म में जो कैरेक्टर है मेरे से बहुत अलग है छोटे शहर का है मैं तो बॉम्बे का पला बड़ा हूँ मैंने तो वो दुनिया देखी नहीं है और वो रॉ ज्वाइन करता है रॉ के आसपास भी मैं नहीं रहा हूँ तो मैंने कोशिश की है वहाँ पे रहूँ उन शहरों में रहूँ उस वो भाषा सीखूँ ब्रिज भाषा सीखी मैंने जैसे इसमें एंड रॉ के ऑफिसर से भी मिला जिनसे मैं उनकी दुनिया समझ सकूँ तो जो शायद जिंदगी मैंने नहीं जी है आपको थोड़ा बहुत वो जीना पड़ता है मैं ये मानता हूँ एंड बाकी फिर जो सीन होता है मैं स्क्रिप्ट को पूरा अपने दिमाग में मंथन करते रहता हूँ उसका जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी निकले ओरिजिनल निकले एंड कहीं से इंस्पायर ना हो इंस्पायर होके भी ना हो इंस्पायर एंड मैं कोशिश ये करता हूँ ज़रूर कि वो सीन का जो सबसे हाई पॉइंट्स हैं वो
खासकर इस फिल्म में, क्योंकि इस फिल्म में सस्पेंस का भी एक एलिमेंट है. तो कई चीजें, क्योंकि जीनियस कैरेक्टर है, इसके चेहरे पे कुछ और है, मन में कुछ और है, बोल कुछ और रहा है, तीन चार लेयर में ये एक्टिंग कर रहा है. तो वो चीजें आपको फिल्म में गलत ना लगे, जब खुले फिल्म और जब आपको ट्विस्ट टर्न्स पता लगे तो वो चीजें गलत नहीं लगनी चाहिए जब आप सेकंड टाइम फिल्म देखें. तो वो सब का पूरा मंथन करना पड़ता है. एंड मैं हर सीन को एकदम ब्रेक डाउन करके अपने दिमाग में दोहराता हूँ. एंड पापा मुझे ट्रस्ट करते हैं कि मैं सही पकड़ूंगा. एक दो सीन जब उन्होंने देख लिया कि सही दिशा में जा रहा हूँ, फिर उन्होंने मुझ पर ही छोड़ दिया. What kind of a person he is on the set? Like, what is the difference between Papa and director? Well, on set, honestly, he's the director. He doesn't... he has no mercy on his actors. No mercy on the crew. Gadar mein bhi aisa tha ki 48 ghante kaam karwate the bina neend ke. 5 saal ka bachcha tha main to tab. तो इसमें तो एक्सपेक्टेशन थी कि 100 घंटा तो बिना नींद के पूरे करनी है, रिकॉर्ड तोड़ना ही है बिना नींद के काम करने का. और ऐसा होता है कि वो कभी भी किसी भी सीन के लिए बुला सकते हैं, किसी भी शॉट के लिए, किसी भी शॉट का आपको फुल तैयारी रहनी पड़ती है. ये भी नहीं कि आप 10 मिनट झपकी ले लिए एंड फिर अगर आप आए और आपकी आंखें थोड़ी सूज गई हैं क्योंकि नींद नहीं है, तो फिर आपको 10-10, 20-20 राउंड दौड़वाएंगे. एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं, परफेक्शनिस्ट है अपने काम में, एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके एक्टर्स बीच, मैं ही नहीं, कोई भी सीनियर कलाकारों पर भी वो एक तरीके से एक दबाव डालते हैं कि आप अपना बेस्ट दीजिए, चाहे 3 बज रहे हो, रात के 4 बज रहे हो, आप एक्टर बाय चॉइस बने हैं एंड आपका आपकी ड्यूटी है अपने ऑडियंस को सेटिस्फाई करने की, कि उनको ये ना लगे कि भाई बहुत थका आ रहा, थक के एक्टिंग हो रही है. आपको वो एनर्जी, वो एंथुजियाज्म तो मेंटेन करना ही है. डांट पड़ी सेट पे? जी नहीं, गदर में पड़ी थी. गदर क्योंकि नींद आ रही थी इसलिए. बट मैं वो सबसे सीख चुका हूँ, मैं जानता हूँ किस तरीके से काम करते हैं वो. तो वो ऐसे डांटते नहीं हैं, बहुत स्वीट हैं सेट पे. वो एक्टर्स के साथ बहुत कोलैबोरेटिवली उनको पुश करते हैं. तो कुछ भी आइडियाज मेरे पास होते हैं तो मैं शेयर करता हूँ, वो शेयर करते हैं. एंड सेट पे हम फादर सन नहीं रहते, डायरेक्टर एक्टर. लेकिन फिर भी वो होता है ना बैक ऑफ द माइंड, बिकॉज मेरे पापा हैं या मेरे बेटा है तो मैं इसको किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकता हूँ, एटलीस्ट मुझे तो कुछ बोलेगा नहीं कोई. नहीं, मुझे नहीं लगता. क्योंकि फिर क्या होता कि फिर बाकी एक्टर्स का मोरल ऊपर नीचे हो सकता है. तो वो कभी नहीं करते थे. ये भी ऐसा भी नहीं करते थे कि कई जगह, हर जगह वैन मिल रही है या ये, कहीं पे भी आपको इम्प्रोवाइज करना है कुछ भी. वो बहुत ही क्लियर हेडेड थे. हाँ, कहीं कहीं वो बहुत मजे लेते थे एज अ फादर. जैसे इसमें एक छोटा सा सीन है जहाँ पे इशिता मेरे गाल पे किस करती है. तो ऑब्वियसली थोड़ा ऑकवर्ड होता है ये सब पेरेंट्स के सामने करना. तो जब वो सीन हो रहा था तो मैं देख रहा था मॉनिटर की तरफ, क्योंकि 2-3-4 रीटेक हो गए उसके. तो मैं दूर से देख रहा था, पापा खूब हंस रहे थे अपने राइटरों के साथ, मजे ले रहे थे. एंड वो तो एक बार तो एक टेक के में तो एकदम सामने ही आके खड़े हो गए कि देखते हैं ये लोग कर पाते हैं या नहीं. तो बहुत मजे ले रहे थे वो. कहीं कहीं तो वो लेंगे, उनका हक बनता है. बट आप एक्टर हैं, आपको अपना प्रोफेशनली जॉब खत्म करना ही पड़ता है. या दैट्स ट्रू.